मेरे साथ एक युवा खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अंकित सोनी। पहले राजस्थान से थे लेकिन अब मुंबई से और खेलते गुजरात लायंस से हैं। अंकित, अभी तक आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला है मुंबई से या राजस्थान से, लेकिन आप गुजरात लायंस की टीम में सिलेक्ट हुए। आप सिलेक्ट होने के बाद आप अपनी फीलिंग बताएं। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी बोर्ड ट्रॉफी और कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलने के बाद भी मैं गुजरात लायंस की टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमेशा से ये एक बिलीव था कि मैं इस जगह पे बिलोंग करता हूँ और खेल सकता हूँ अच्छा खासा, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। इंजरी हुई शिविल को और आपको कॉल अप किया गया, आपका यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा आपको कैसा लगा, कि क्या टर्निंग पॉइंट था कि आप पिक हुए टीम के लिए? पहले मैं राजस्थान में खेलता था जूनियर क्रिकेट, फिर काफ़ी साल वहाँ पे खेलने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुआ और मुंबई में काफ़ी लोकल क्रिकेट काफ़ी खेली मैंने। वहाँ के सेलेक्टर्स वगैरह ने काफ़ी देखा मुझे, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और वहाँ पे एक दो कोचेस ने मेरे को यहाँ पे गुजरात लायंस के ट्रायल्स भी दिए मैंने ये साल, और पिछले दो तीन साल से मैं ट्रायल्स दे रहा हूँ IPL के, तो इन्होंने मेरे को ट्रायल्स पे बुलाया और बॉलिंग अच्छा हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, ऑब्वियसली एक अलग उदाहरण रहता है, तो आपके लिए ये कैसा लर्निंग कवर आए? ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। मैंने कभी ड्रेसिंग रूम से ऐसे बड़े प्लेयर्स के साथ कभी शेयर नहीं किया ड्रेसिंग रूम, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है रैना भाई से, हौजी से, मैकलम, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपका IPL का सफ़र और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।